हमारी शादी में किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी सी कैमरा शाय है ना, वो कैमरा देखते ही बिल्कुल ऐसे सुन हो जाते। इनके वालिद ने मुझे पहली दफा कबूले करते हुए ही मिले हैं, क्या बात। तो उनको इतना भरोसा था या उनको इन पे इतना भरोसा था कि इन्होंने जो अपना कंपेनियन चूज किया है या उन्होंने हमें जो देखा हुआ था उन्होंने बोला कि ये ठीक है। मैंने हर सीजन का फाइनल खेला, हर सीजन फाइनल खेला। और कितने सीजन जीते हो? 5-6 जीता हूँ, बाकी हारा हूँ। क्या बात है। लारेब में बुरी सिर्फ एक आदत है कि ये जज्बाती बहुत ज्यादा है। आई एम द लकीस्ट हस्बैंड। क्यों? लोग अपनी बेगमों को माथे पे चुमती, मेरी बेगम मेरे माथे पे चुमती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉनस्टॉप पॉडकास्ट। हंस ले यार, आप मेरे पे क्यों हंस रही हैं? मतलब मैं तो चेंज करना चाह रहा था। मैं हूं आपका होस्ट जलाल करीम, और आपके और मेरे साथ हैं आप सबकी फेवरेट होस्ट खबरनामे की तरह। ये मैंने आज नहीं बोला ना, तो मैंने बोल दिया कमल जुलकरनैन। अभी सब कहेंगे यार ये एक ही लाइन बोलते, एक ही लाइन। खैर, आज हमने जिनको बुलाया है वो मेरे मोस्ट फेवरेट है। हमारे तो है नहीं, मेरे हैं, हमारे आपका नहीं, मुझे पता है, झूठ बोल रहे हैं कैमरे के सामने बोल रहे हैं, मेरे हैं, ठीक है, मेरे फेवरेट हैं, मेरी बहन है, मेरा भाई है, और दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा है, मतलब दोनों नहीं, वो मैं नाखूनों को देख रही थी, नाखून को टेढ़े हो गए, तो माशाल्लाह मेरे बड़े फेवरेट हैं और उनका कपल मैं जीत जाऊंगी। हाँ। मेरी उससे भी खतरनाक आवाज है, तो मैं जीत जाऊंगी। तो टाइम कम है हमारे पास, टाइम बताएंगे क्यों कम है। तो वेलकम करते हैं खूबसूरत से कपल को, मेरे बहन भाई को, मतलब एक तरफ से मैं नंद लगती हूँ, एक तरफ से मैं क्या लगती हूँ, साली लगती हूँ। साली लगती हूँ। तो वेलकम करते हैं खूबसूरत जोड़े का, लारेब और जरनाब। और इन दोनों को मैं हमेशा कह देती हूँ, उसे जरनाब कह देती हूँ, उसे लारेब कर देती हूँ। तो वेलकम करते हैं, तालियां मार दो यार। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? यार हमारे लिए एक शेर पहले लारेब। हर मोहरम पर हर जगह बनती है हलीम, कैसे हो जलाल करीम। हमारे लिए कहा था, अच्छा आपके लिए, दोनों के लिए एक साथ नहीं बन सकता ना, एक एक सोलह बनता है। हमारे नॉनस्टॉप के लिए बोल दे, उर्दू में आखिरी तो इंग्लिश में लास्ट, एंड वी आर हियर एट नॉनस्टॉप पॉडकास्ट। क्या बात है, नाइस यार, ये बहुत बेहतर है, क्या बात है। नहीं यार ये तो बड़ा फिटबॉल है। वैसे ये आता कहाँ से है? बस आपके सामने ये मतलब नहीं, मतलब फिर भी बचपन से शौक था ऐसे बोलना। मैं उमर शरीफ साहब को बहुत देखता था, बहुत, और इवन दो नाश्ता करते हुए भी स्टेज शोज देखता था वाले, खाना खाते हुए रात को भी, और फिर फ्री टाइम पे यूट्यूब पे भी। तो मैं बहुत इंस्पायर होता था उनसे, बस तो उनकी बाल भी बराबर नहीं है, मगर कोशिश करता हूँ कि बस ये राइमिंग मेरी राइमिंग बस मैं लफ्ज से लफ्ज जोड़ देता हूँ, तो वो बस बड़ा स्पॉन्टेनियस, बड़ा बड़ा जल्दी जहन में आ जाता है और फनी भी होता है, समटाइम्स बहुत ठंडी होती है, मैच कर जाता है। और आपको पता है मतलब जब से माशाल्लाह ये दोनों साथ है, अगर वो कुछ एक वर्ड लास्ट वाला वो वर्ड हमेशा नहीं बोलता, तो वो जरनाब ने मतलब माइंड में उसके पूरे क्लिक होते हैं कि इसने बोलना। मैंने बोला ना आखिरी में, मैंने बोला लास्ट फिर पॉडकास्ट, तो मैं आधा करके ये समझ जाती हैं और ये आखिरी वर्ड यही बोलती हैं। तो जैसे अगर अभी हम इनके घर पे थे तो ये गैर मौजूदगी में जरनाब की मैं करता था, पीछे से बहन की बात थी देखो ना, मतलब वो थोड़ा ऑफ होती थी, तो मैंने कहा चलो अभी बहन साथ दे देती है, बेगम तो साथ दे रही है और जिंदगी भर इंशाल्लाह देती रहेगी। अच्छा आप दोनों का जोड़ा बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। थू थू कर दो खुद ही, क्योंकि मैं थू करूंगी तो सारा माइक में चला जाएगा और माइक खराब हो जाएगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इतना महंगा माइक खराब हो जाए। अच्छा आप दोनों की लव स्टोरी हर कोई जानता है, मतलब कि आप लोगों ने काफी जगह बताई दी है। आप दोनों की लव स्टोरी? वो वैसे मेरा स्टाइल है लव। अच्छा ये मुझे नहीं आता हमारा, ये वाला ये धरना आपने सिखा दिया यार। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये मेरे घर के बच्चे बच्चे को आता है, मेरे को सिर्फ हमारे लिए ओल्ड स्कूल है। हां मेरे को सिर्फ याद आता है, मेरे को मुझे भी आता है। हां हो गया ना।
तो जी हम लोगों ने जरा थोड़ा सा पॉज लिया था जी, जनाब कह रही थी कि मुझे मेरा माइक चाहिए। हाँ, हमने कहा कि भाई एक अलग से माइक लगाते सब हैं। अपना अपना माइक लेके बैठे थे, मैंने कहा मेरे पास भी माइक हो, मैं क्यों तो इसे माइक जी हमने अलग लगाया, उनको अलग लगाया, अलग लगाया, अलग लगाया, ताकि हर बंदे को अलग अलग प्लॉट दे दिया। खुश रहो, अब हम करते हैं पॉडकास्ट, अब हम पूछेंगे खतरनाक सवाल, बवाल, फिर आपको लोग ब्लॉक कर देंगे, अनफॉलो कर देंगे, आपकी स्टोरीज नहीं देखेंगे, आपको टैग करके स्टोरीज लगाएंगे इनडायरेक्टली क्लोज फ्रेंड्स से। ओके, क्लोज फ्रेंड भी और कुछ। जी जलाल भी, बिस्मिल्लाह। यार मैं पूछना चाह रहा था ये कि आप लोग फेमस तो थे, दोनों फेमस थे अपनी अपनी जगह पे, लेकिन एक चीज आप लोगों की ना बहुत क्लिक की, जिसको बहुत ज्यादा हाइप भी मिली, और वो था आप लोगों का निकाह पे कपल शूट, झूले वाला। वो किसका आइडिया था और क्या सीन क्या था उसके पीछे? भाई वो बेसिकली जरनाब ने मुझे रील भेजी थी। मैं आपको बताती हूँ सही से ना, मैं जब मतलब हमारी अभी शादी की बातें चल रही थी निकाह की ना, तो मैं जब से हमारी बात हो रही थी ना, तब से मैं लारेब को कुछ ना कुछ भेजती रहती थी कि मुझे जिंदगी में ये करना है, मैं चाहती हूँ मैं ये भी करूँ। अच्छा, ये निकाह से साल डेढ़ साल दो साल पुरानी बात, मतलब निकाह तब तो निकाह का कोई वो ही नहीं था, हम बस अपने में थे क्या निकाह, मतलब अपने में थे कि हम मतलब देखेंगे करेंगे देखेंगे शादी होगी ये वो। तो लारे वो सारी चीजें मुझे नहीं पता था कि इतने गौर से देखते हैं और नोट करते हैं कि हाँ भाई इसमें से जो मैं कर सकता हूँ जनाब के लिए वो मैं करूंगा। तो जब हमारा निकाह हुआ तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं सैलून से मुझे पिक किया है और मुझे डायरेक्ट वहां पे लेकर के यहाँ पे शूट होना, मैंने देखा और मैं हैरान रह गई, मुझे खुद भी याद नहीं था कि मैंने कभी जिंदगी में ये लारेब को भेजा था। फिर मैंने लारेब से पूछा, मैंने कहा ये कहाँ से मतलब आपके दिमाग में कहाँ से आया, तो लारेब ने बताया कि एक दफ़ा आपने मुझे रील भेजी थी, तब से मैंने सेव की हुई थी कि जब भी हमारी शादी या कुछ होगा तो मैं जरनाब के लिए ये करूँगा। हम दो लोकेशन पर हमने शूट किया था निकाह पे, पहले हम एक सिंपल लोकेशन पे गए, वहाँ से जब जरनाब को मैं सामने लेके गया ना, ये बोल रही वो क्या हो रहा है, मतलब ये हमारा शूट की जगह है। तो ये बड़ी स्टन हो गई कि ये क्या सीन है, मैंने करना कैसे, क्योंकि वो इतना हवा में थे हम लोग। अब इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए पुलिस की जो है ना वो चाहिए था, अथॉरिटी चाहिए थी, परमिशन, सारे बहुत सारे मसले थे, क्रेन अरेंज करना सबसे बड़ा जो है ना मसला था, और क्रेन का रेंट सुन के तो मैंने आइडिया ही कैंसिल कर दिया था। कितना रेंट था? क्रेन का रेंट जो मुझे कोर्ट हुआ था ना, वो हुआ था 2 घंटे का 2.5 लाख रुपए। और मैंने फिर फोन करा मम्मा को, अम्मी को ना मम्मा क्रेन चाहिए, हैं क्या करना है, मतलब शूट, तुम लोग पागल हो, मम्मा क्रेन करा दो। फिर मम्मा ने अपने रेफरेंसेस लगा के तो मुझे जो है ना वो अम्मी ने 30,000 रुपए पे क्रेन करा। अब मुझे भी कुछ चाहिए होगा मैं आंटी को कॉल करूंगा। भाई अम्मा बड़ी हमारी काम की है माशाल्लाह। तो फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, मगर हमने बड़े सेफली उसको, वो पहले टेस्ट हुआ था उस पर, कुछ 6-7 बंदे पहले बैठे थे उस पूरे दो दरिया की लोकेशन पे, एक सेफ स्पॉट देखा जहाँ पे मिट्टी का एक सैंड माउंटेन ज्यादा हो, कि अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर हम अल्लाह ना करे गिरते भी हैं तो वो सेफ हो। और हम कोई बहुत 100-150 फीट पे नहीं थे, हम मतलब 20-25 फीट की हाइट पे, तो वो भी बहुत ज्यादा ही है, और पर क्योंकि यार बहुत कंफर्ट, और सबसे भारी जोड़ा पहन के ही बैठी थी, सारा जो क्रेडिट है वो जरनाब को जाता है। क्या बात है। और हम लोग पर शूट, हाँ वो तबाही, मतलब वो शूट जब आया है ना तो ऐसे देखा है दोबारा से कि यार इन्होंने कोई फोटोशॉप तो नहीं किया, हर बंदे ने माशाल्लाह, वो इतना खूबसूरत शूट था। जब तक हम लोगों ने BTS नहीं डाला था कि सबको लग रहा था इन्होंने रब करके क्रेन बस एक बैकड्रॉप पे लगा दिया, और हमें नहीं पता था कि वो इतना हिट या इतना वायरल हो जाएगा, मतलब वो हमारी आज तक की मोस्ट लाइक फोटो है वो। आज तक मैंने अपने टेन्योर में इतने लाइक कभी नहीं देखे इंस्टाग्राम पोस्ट और वो पोस्ट अभी मिलियन लाइक क्रॉस करने वाली है। अच्छा, लोग ना उस फोटोशूट को मैच करने के लिए अभी तक नाकाम है कि यार हम इस तरह का कुछ सरप्राइज या कुछ। शादी में टेंशन पे थे क्योंकि सबने बोला तुमने निकाह पे अपने एक बार सेट कर दिया कि तुम शूट क्या करोगे। यस, मेरा शादी में जो मेरा प्लान था ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका क्योंकि जहाज स्पेन गए हुए थे, मैंने प्लेन के साथ क्रिएटिविटी करनी थी, और वो एक फोटो जैसे इसका था वो एक ट्रेडमार्क निकल गया था, प्लेन अवेलेबल नहीं थे, वरना जरनाब से भी तूफानी कराना था कुछ मैंने। क्योंकि शादी बहुत कमाल की है, हम लोग तो वहां पे थे ना, हमें पता है कि जुल्कर भी बार बार तारीफें कर रहा था कि यार तुमने कलर स्कीम और डिकोर इतना खूबसूरत माशाल्लाह, और इतना अच्छा हो गया, और तुम लोग इतने प्यारे लग रहे थे, और दोस्त आपके वैसे भी प्यारे ही हैं, मैंने कहा दोस्त प्यारे हैं, इधर भी तो माशाल्लाह कर ले, सिर्फ उधर ही माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। अच्छा, कोई डिफिकल्टीज आई
शादी में या एक दूसरे को मनाने में, क्योंकि शहरों का भी डिफरेंस है और वो पंजाबी है प्योर, आप प्योर उर्दू स्पीकिंग, तो कुछ इसमें मसला आया घर वालों को उसके मनाने में, इसके मनाने में, वो डॉक्टर है पेशे से हमारी, और आप इंजीनियर हो। हम इंजीनियर हैं। हमारी शादी में किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी सी कैमरा शाय है ना, वो कैमरा देखते ही बिल्कुल ऐसे सुन हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि हमने एक्सप्रेशंस देने हैं या हमने हंसना है या हमने बोलना है। हमारी शादी में जो सिर्फ एक मसला था ना, वो ये था कि अभी नहीं करनी। मतलब मेरी फैमिली ये कह रही थी कि तुम अपनी हाउस जॉब कंप्लीट कर लो, जैसे अभी भी मेरे 6 मंथ्स रहते हैं, तो उनका यही था कि डिग्री एक दफ़ा आ जाए उसके बाद शादी कर लो, बीच में ही पढ़ाई करोगी बीच में ही काम करोगी तो कैसे मैनेज होगा। सिर्फ ये मसला था, वरना लारेब का मुझसे या मेरा लारेब से हमारा कोई मसला नहीं था। मतलब फैमिली से हमारी फौरन मान गई थी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये जरनाब ने बात की ना फैमिली के बारे में, तो एक वीडियो भी वायरल हुई थी व्लॉग में, जिस पर रिएक्शन देते हैं सब जरनाब को देख के, तो वो मतलब इतना स्माइल नहीं पास करते, तो लोगों के कमेंट्स या अपनों के यही कि यार ये जबरदस्ती की शादी हो रही है, ये लड़की को मतलब वो पसंद नहीं करता, सब ने यही बोला। इसीलिए फिर जब मेरी रुख्सती हुई थी तो मेरे बाबा की वो जो वाली वीडियो में जो मेरे अब्बू ने बोला कि सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुम मुस्कुरा नहीं रहे, वो मेरे बाबा ने मुझे कहा कि मैंने इन्हीं सब बातों की वजह से वो बयान दिया कि भाई जिसकी बेटी का ये सीन होता है ना उसकी फीलिंग्स थोड़ी अलग होती है ऑब्वियसली। नहीं और ऑफ कैमरा सिटी डिफरेंसेस तो हैं, और ऑफ कैमरा जो है ना जरनाब की फैमिली बहुत चिल है, बहुत मस्ती वाली है। मेरी इनकी वालदा से सबसे ज्यादा इंटरेक्शन है, और छोटा भाई जो है वो बड़ा रिस्पेक्टफुल है, और अंकल से भी जो है वो मस्ती मजाक है मेरी, मतलब इट्स लाइक फ्रेंड्स वाला सीन है कि वो कभी हम भी इतने छोटों के उनको एडवाइस दे रहे होते हैं, वो हमें एडवाइस दे रहे होते हैं, वो हमें चीज़ें भेज रहे होते हैं, हम उनको भेज रहे होते हैं, तो बड़ा एक डिसेंट बहुत अच्छा रिलेशन है। तो वो ऑन कैमरा ऑब्वियस है कि वो इतनी सोशलाइजिंग नहीं करते, तो इसीलिए मैं अगर फ़ौरन कैमरा लेके जाऊँगा तो वो चौक हो जाते हैं। एक होता है कि जाहिर है कि हम काम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे। अब मेरी अम्मा थोड़ा बोलती करती इसलिए हम शुरू से मस्ती और इस तरह वाला, तो वो बड़ा एक डिफरेंस है। मगर ऑफ कैमरा इनकी फैमिली इज लाइक, मतलब आप बोलोगे कैमरे पे ये नहीं करते, यूं कर अभी यूं कर, मैं करेगा अभी वही ऐसे ये सब हो रहे हैं, हाँ ऐ जा ये फौरन ऐसा स्विच ट्रांजिशन। हाँ मेरे अब्बू और लारिब ने तो बैडमिंटन के मुकाबले किए हैं, हाँ, और खेला है, क्या खेला है मतलब जाके, मगर वो आंटी और अंकल जो है ना बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों की तरह। अब जाहिर है यही बात है ना कि आजकल लोगों को ये लगता है कि जो कैमरे में दिखता है वही वही होता है, मतलब हमारी पर्सनल लाइफ को। अब आप देखें ना इनकी फैमिली में अगर कुछ होता है इस तरह के, तो हमारा जो निकाह हुआ था ना, फिजिकल मीटिंग एक भी नहीं हुई हमारी फैमिलीज की, सारा टेलीफोनिक हुआ है। इनके वालिद ने मुझे पहली दफ़ा कबूले करते हुए ही मिले हैं, तो उनको इतना भरोसा था या उनको इन पे इतना भरोसा था कि इन्होंने जो अपना कंपेनियन चूज किया है या उन्होंने हमें जो देखा हुआ था उन्होंने बोला कि ये ठीक है। हालांकि मैंने बहुत दफ़ा अपने अब्बू को बोला, मेरे भाई ने बहुत दफ़ा बोला कि अब्बू आप एक दफ़ा आ जाओ, आप मिल लो, घर भी देख लो, लड़के को भी देख लो, तो मेरे अब्बू ने कहा नहीं बस ठीक है, जब मेरी बेटी खुश है तो फिर मुझे, मैंने घर और सब देख के ऐसे हमारे माँ बाप को होना चाहिए, आपका बेटा जहाँ खुश है आपकी बेटी जिधर खुश है, वो कुछ गलत काम करे या वो आपको तंग करेंगे, खुदकुशी की तरफ जाएंगे, जबरदस्ती भाग के शादी करें, उससे बेहतर नहीं। मैं वैसे लोगों को कह रही हूँ कि लोग अपने बच्चों को ना बहुत ज्यादा सख्ती से रखते हैं, वो ये नहीं करना वो नहीं करना, तो आप तरीके से शादी कर दो या निकाह कर दो, वो ज्यादा बेस्ट है। सिर्फ ये था दोनों अम्मी अब्बू का, दोनों साइड की, इनकी भी अम्मी अब्बू मेरी भी अम्मी का, बच्चे खुश हम खुश, क्या बात है, माशाल्लाह 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 जी जलाल भाई। अच्छा ये जिस तरह मेरी बहन बता रही थी आप इंजीनियर हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, आप डॉक्टर, तो ये सोशल मीडिया का सीन किस तरह से शुरू हुआ और क्यों हुआ और कब हुआ? मेरा हुआ 2017 दिसंबर, मुझे शुरू से मीडिया लाइन का बहुत शौक था कि मैं टीवी पे आऊँ, मुझे लोग देखें, तो ये म्यूजिकली ऐप आया था, तो मेरे दोस्तों ने, स्कूल के दोस्तों ने कहा कि लारे भाई ऐसी चीज़ आई तो तू कर सकता है, तो तू कर ले भाई। मैंने यार कौन देखेगा मुझे, तो उन्होंने बोला यार कोई नहीं देखेगा, तो अगर छक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो छोड़ देना। तो मैंने बोला ठीक है, बस मैंने देखा उसमें क्या, उस वक्त बड़ा दो चीज़ें थी, एक या लिपसिंग करो या ट्रांजिशंस बनाओ, ट्रांजिशन में खुआरी बहुत ही लिपसिंग थी कॉमेडी वीडियोज़ में इस तरह, तो है ना उनकी रीनैक करके बनाता था, डब स्मैश भी था उस वक्त, डब स्मैश म्यूजिकली के टेन्योर से ऑन एंड ऑफ करता 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 मैंने शुरू करा, और 2020 कोविड के बाद से, मतलब आई हैड सम फॉलोइंग, फिर मैं प्रैंक कॉल्स करता था, लाइव प्रैंक कॉल्स करता था इंस्टाग्राम पे, और मैं आप यकीन माने मतलब अगर आज मेरी जो भी फॉलोइंग है ना इंस्टाग्राम पे वो बहुत ज़्यादा है उसके कंपैरेटिवली, जब मैं मेरे सिर्फ इंस्टाग्राम पे 30-40 हज़ार फॉलोअर थे और मेरे
उस वक्त प्रैंक कॉल्स पे 25,000 से 30,000 बंदा कॉन्स्टेंट लाइव देख रहा होता था मैं जो प्रैंक कॉल्स करता था. क्या वो उस वक्त सबसे हाई रेट था. मतलब मैं खुद लेता था कि मेरे फॉलोअर्स इतने नहीं जितने मुझे व्यूअरशिप मिलती है. फॉलोअर लोग नहीं करते, बस वो एक टाइम पास था. क्योंकि मैं रैंडम दीवारों से उठा लिया नंबर, किसी से उठा लिया नंबर, किसी से ले लिया, मैं वो प्रैंक कॉल्स करता था. आज भी जो पुराने फॉलोअर्स मिलते हैं हमें हर जगह बोलते हैं भाई आप प्रैंक कॉल्स क्यों नहीं करते. भाई अब मैं गालियां नहीं खाता, मतलब तो उसमें बेस्ट हो ना. और प्रैंक कॉल्स करते रहे, उसके बाद आप लोग गेम शो के बाद जब गए हो तब मुझे लगता है मेरा गेम शो गेम वो ज्यादा बदली. 2020 जून कोविड मेरे लिए टर्न ओवर पॉइंट था मेरी लाइफ का. फ्रॉम 2022 में मेरे कोई 50,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम और आज 2 मिलियन. तो मेरा वो टेन्योर बहुत गया और मैंने वहां जान मार दी थी. गाया भी, खेला भी, कूदा भी, चोटे भी लगाई तो और जीता भी. जीता भी बहुत बार जीता. पता नहीं अब क्या सीन है, लेकिन यार मैं क्योंकि वो कोविड का टाइम था. सही है, मैं तो अपने अम्मा अब्बा को बैठा के ना, उस वक्त हम 3 बस घर पे होते थे. सही है, मेरा कोई बहन भाई कोई सारे बाहर थे. अम्मी अबू और मैं बैठ के ना वो बोल शो इनका ये देख रहे होते थे. सही है, वो जो एंड वाला सीन होता था ना, बाकी सब रियल होता था मुझे जो लगता है. सही है, वो जो पिक करने होते थे ना ब्रीफ केसेस, यार पता है क्या मेरे, मैं तो इतना देखा था ना कि मुझे कंफर्म लगता था कि यार ये वो है प्लांटेड. वो प्लांटेड है मुझे. अगर वो प्लांटेड होता ना, 4 टीम्स होती थी. ठीक है, पहले सीजन से लेके 12-13 सीजन जब तक हुए मैंने हर सीजन का फाइनल खेला. हर सीजन फाइनल खेला. और कितने सीजन जीते हो? 5-6 जीता हूँ, बाकी हारा हूँ. क्या बात है. अगर स्क्रिप्टेड होता तो मेरी स्ट्रीक नहीं चल रही होती. भाई हम रोते मरते थे सर. हमारा उसके अलावा ना, मैं वही कह रहा हूँ, उसके अलावा तो मुझे पता इतनी गेम्स थी. कुछ गेम्स मुझे लगता था कि यार ये दानिया को कोई हरा ही नहीं सकता, इसमें कोई अभिभा को नहीं हरा सकता, इसमें कोई लारे को नहीं. वो तो मुझे रट चुका था वो, क्योंकि देखे मेरे अम्मी अबू को रट चुका था. लेकिन जहाँ वो आता था ना मेरे अबू कहते थे, अम्मी भी कहते थे इस दिन ये इसको जितवाएंगे, इस दिन ये इसको. लारे लोग तो फिर भी फाइनल जीते हुए थे. मैं कोई फाइनल नहीं जीती हुई थी. मैं हमेशा फाइनल जाती थी, हार जाती थी. एक फाइनल जो हमारा बहुत, मतलब हम बिल्कुल जीतने वाले पे थे, उसमें जिस ब्रीफ मेरे पास में थे, जो विनिंग अमाउंट थी, मतलब मेरा जो मैं जीत गया था. अच्छा, वो पैसे तो सच में नहीं देते थे ना. नहीं, पैसे नहीं, वो तो एक टेन्योर, वो तो एक पार्ट टाइम लाइन था. लेकिन वो ब्रीफ केस जिसके अंदर विनिंग वो था, मतलब 10 नंबर जिसके अंदर था, वो हमारे पास था, हमने दे दिया. अगर स्क्रिप्टेड होता तो हम कभी भी वो किसी और को ना देते. वो लारब ने खुद एक्सचेंज कर दिया और सामने वाली टीम जीत गई और हम फिर हारे. मेरी गलती है. चलो ऑफ कैमरा बता देना हमें. नहीं नहीं, नहीं कसम से नहीं. नो दानिश भाई वाज अ इज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन व्हेन इट कम्स टू गेम शो. क्योंकि वो बोलते थे कि डिग्निटी से, डिसिप्लिन से और ऑनेस्टी से खेलना, क्योंकि ये हमारा एक रोजी का जरिया, प्लस आप अब जा काम करते हो वहां से मुखलिस होना. मुझे ये भी लगता है कि उस गेम शो ने बहुत से हमारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं, जिनकी आवाजें भी बहुत बेहतर की हैं, जिनका जिनका आईक्यू लेवल भी बहुत बेहतर किया. मतलब शुरू में इसका जिस तरह डांस था, जिस तरह इसने फिर उसको इम्प्रूव किया, वो उसी में ही इसने सब कुछ किया. वही कहा ना कि सबको बड़ा एक इम्प्रूव किया. अगर हमें हम उसे एक अच्छे वे में लेके जाएं. अब अगर जैसे आप मुझे बोलते हो कि स्पॉन्टेनियस कैसे होता है, उसमें गेम शो का भी हाथ है. क्योंकि हमें 1 मिनट कैसे स्क्रिप्ट मिली, फॉरन एक्ट करना है तो उसमें खुद आमद से करना है, तो वो चीज थोड़ी. लेकिन जहाँ पे दानिश भाई है वहाँ पे स्क्रिप्टेड कुछ हो ही नहीं सकता. दानिश भाई को तो कभी कोई गलती, कोई कैलकुलेशन में या कुछ भी गलती हो जाती थी तो वो मैच दोबारा करवाते थे. सबसे ज्यादा डांट मैंने खाई है, सबसे ज्यादा. क्योंकि सबसे ज्यादा बहस, मतलब रिबट मैं करता था कि ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है. तो वो इस चीज पे भाई बिल्कुल. अच्छा, इसमें ये था, खैर उस शो को लेके हम थोड़ा ज्यादा, बस मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि शुरू में थोड़ी सी उसकी क्वालिटी जो थी, वो लड़ाइयां झगड़े थोड़ा सा अजीब लगता था. लेकिन फिर बीच में बहुत अच्छा हो गया, सही है, वो सब कुछ खत्म हो गया. लेकिन उसके बाद से फिर से ना वो क्वालिटी थोड़ी गिर गई. मतलब ऐसा लगा कि वो जो वाले शो में बेसिकली शुरू से पहले एक सीजन में था, जब जो पहला बिल्कुल फर्स्ट था, बिल्कुल फर्स्ट दानिश भाई का, वो था सिर्फ रमजान में 1 महीने का, वो था जिसमें चैंपियंस थे वकार जका वाले और टिकटॉकर्स थे, तो उनका ये डिबेट वाला था. फिर हम आफ्टर माज और मैं, हम लोग आफ्टर रमजान वाले सेकंड सीजन से हम लोग आ गए थे, हमारी सिलेक्शन हो गई थी. तब से गेम्स पे फोकस हो गया था. क्योंकि वो फिर बिलो द बेल्ट बात कुछ इस तरह ना, फिर वो ड्रैग हो गई थी थोड़ी चीज. हम लोग हमने 2 साल लगातार एक चीज करी, हम बोलते थे वही ड्रैग ने, वही ये नहीं थी, ये आई थी 2021 में. मुझे नहीं पता 2021 में जन आ भाई थी. आपने बहुत थोड़ा किया है वो. हाँ, मैंने स्टार्ट ही तब कोविड में ही मैंने ये सारा कुछ स्टार्ट किया था. उससे पहले तो मैं नहीं करती थी कुछ भी.
मुझे शुरू से मॉडलिंग का शौक था, मुझे ये बाकी मॉडलिंग का शौक था या मुझे ड्रामास का शौक था कि मैं ड्रामास करूं, और मुझे इसके अलावा कुछ भी इतना वो नहीं था. लेकिन जब कोविड था ऑब्वियसली हमारी क्लासेस भी नहीं हो रही थी, और वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड थी बोल में ना, वो काम करती थी वहाँ पर, तो उसने मुझे बोला कि एक शो है इधर, न्यू फेसेस चाहिए तो तुम आ जाओ. तो मैं फ्री होती थी, मैंने कहा चलो चले जाते हैं, क्या मतलब घर पे ही बैठे हुए हैं. तो मैं वहाँ चली गई, और जब मैं वहाँ गई तो बस फिर वही की वही रह गई. उसके बाद तो वही रह गई, फिर लारेब को लेके निकली, लारेब को लेके निकली मैं वहाँ से. नहीं उससे पहले टिकटॉक भी नहीं आप? उससे पहले मैं टिकटॉक बनाती थी बहुत कम, मतलब सिर्फ अपने लिए बनाती थी, मतलब ऐसा नहीं बना के अपने घर में सबको शेयर कर दिया बस. हाँ प्राइवेट, कोई एक आधी कभी पब्लिक कर दी तो कर दी, इस तरह वाला सीन था, मतलब कोई उससे पहले मेरा वो नहीं था. पर बहुत से लोगों का सवाल, मैं पहले भी काफी लोगों से पूछ चुकी हूँ, लोग ये कहते हैं जितने भी टिकटॉकर, जितने भी इन्फ्लुएंसर, जितने भी ब्लॉगर्स, वो पढ़े लिखे नहीं होते, सब यही कहते हैं. अभी भी यार मैं तो बहुत देखती हूँ कि मदीहा मेरी और इकरा कमल की अक्सर किसी ने पिक्चर्स लगाई होती है, लिखा हुआ होता है कि अब ये शक्लें भी डॉक्टर बनेंगी, अब ये लोग भी ये करेंगे. और भाई बनेंगी नहीं, बन गए हैं. तो मतलब लोग इतना वो करते हैं ना, ऑब्वियसली यार अगर आप कुछ नहीं भी करें ना, आप 24 घंटे बुक खोल के कोई भी नहीं बैठा होता, ठीक है. और सबका आईक्यू अलग अलग होता है, किसी को कोई चीज़ एक घंटे में याद हो जाती है, किसी को पूरा दिन याद नहीं होती. तो अगर आप कुछ मैनेज कर सकते हो साथ में तो उसमें कुछ बुरा तो नहीं है. अब किसी ने DPT किया हुआ है, किसी ने क्या किया हुआ है, मैंने MBBS किया हुआ है, तो मतलब कुछ किया है तो यहाँ तक पहुंचे ना, वरना वहाँ हमारे मामा चाचा तो बैठे नहीं है कि बोले ये ले भेज डिग्री ले ले और चली जाओ. और मैं तो बहुत जलील भी हुई हूँ अपने टिकटॉक की वजह से. ऑब्वियसली मतलब मेरे रीटेक्स भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं गई हूँ और मैं सब में A+ ले लेके पास हो गई हूँ और मेरी इतनी इतनी GP आई है. कहीं मैं डाउन भी हुई है, मेरे रीटेक्स भी आए हैं, कहीं पर मुझे टीचर्स ने इंसल्ट भी किया है कि तुम अगर ये करोगी तो तुम साथ ये कैसे करोगी. मतलब सब कुछ हुआ है, लेकिन एट द एंड अगर आप मेहनत करते हो तो उसका आपको फल मिल जाता है. अब तो मेरा मुकम्मल हो गया, 6 महीने रह गए, डिग्री मिल जाएगी, अपना क्लिनिक बना के बैठूंगी, फिर जो आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह मतलब करूंगी सारा कुछ. अगर मैं कर सकती हूँ साथ तो मैं क्यों नहीं करूंगी. नहीं तो मतलब मेन फोकस किसको, फर्स्ट प्रायोरिटी? नहीं मैं अपनी डिग्री को, अपनी डिग्री को पार्ट 1 वगैरह करने हैं उसके बाद. इंशाल्लाह 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 फिर मैं भी आऊंगी आपके पास. मुझे PR पे आप करेंगी ना? देखूंगी. भाई देखो तुम्हारी बहन को ये कह रही है, शर्म नहीं आ रही? तुम अकाउंट लारे संभालेंगे, लारे इंडियन वगैरह सब मेरा नाम बनेगा. ओके ओके डन है डन है. अच्छा यार मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब जो यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि इनके ग्रुप्स बन गए हैं, मतलब कि शायद कह के नहीं बने हुए लेकिन बन गए हैं, जो आम आवाम को नजर आ रहा है कि यार ये बंदा और ये लोग जो हैं, ये कपल फैमिलीज, ये इकट्ठे व्लॉग्स बनाते हैं, एक दूसरे के पास आते जाते हैं, और ये लोग जो हैं ये इनके पास नहीं जाते, आपस में रहते हैं, तो इसका क्या सीन है? मैं अब पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, लेकिन तुम्हें पता ही होगा. स्पेसिफिक आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अब ऑब्वियस है हर किसी सबसे टर्म्स अच्छे हैं, पर यह है कि जैसे बहन है, हम इनके घर आते हैं या ये हमारे घर आते हैं. ऑब्वियस है कि जुल्कर्नैन का जो फोटे है वो उसका है डेली व्लॉग्स का, तो वो उसने रोज़ जो कर रहा है वो दिखेगा. तो ऑब्वियस है कोई मेरे घर पे आया तो वो मैं दिखूंगा. अब जाहिर है कि मैं डेली नहीं करता, बट मैं स्पेसिफिक होके 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद एक व्लॉग बनाता हूँ, तो मेरी रूटीन होती है. तो हम जाहिर है अपने दोस्तों के साथ एक मेमोरी भी शेयर करते हैं कि 4 साल बाद खोलेंगे तो पता होगा यार ये किया था, ऐसे मस्ती की थी. तो ऐसे बहुत सारे जो दोस्त हैं दूसरे हैं, हम उनसे या तो मिल नहीं पा रहे होते हैं या जा नहीं पा रहे होते हैं, अवेलेबिलिटी नहीं बन पा रही उनकी या फिर हमारी, तो इसीलिए वो कम देखते हैं. नहीं पर ग्रुप्स नहीं बने, ग्रुप्स नहीं है, क्या है ग्रुप्स इन दी एंड. लेकिन इस तरह शो इसी तरह ही होता है, क्योंकि उनका जो मिलना, जो देखो अब आप भी इनसे मिले हो, इनको पहले से तो नहीं जानते थे ना? नहीं नहीं, आप इन जितने लोगों के साथ मिले हो अभी, उन्हीं के साथ ही उठना बैठना है जो आपकी इसी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, सही है? तो वो लोग भी तो इसी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, वो भी यूट्यूब ही कर रहे हैं, टिकटॉक ही कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं. भी मैं एक और बात भी ऐड करूंगी इसमें, मुझे लगता है जो वो आप अपना जवाब खुद दोगे, मुझे ये लगता है कि हम अगर चाहे दूर भी है ना, क्योंकि हमारा सिटी डिफरेंस है बहुत बड़ा, मेजर हम हर चीज में एक दूसरे की खुशी में शामिल नहीं हो सकते, पर ये हमारा ये दिल जरूर होता है कि हम खुशी में शामिल हों. लेकिन अगर नहीं हो सके किसी ना किसी वजह से, लेकिन अल्लाह ना करे कोई गमी का वक्त हो, दुख का वक्त हो, तो हम
तब तो जरूर शामिल हो. लेकिन अगर हम नहीं मिल रहे, दो दो चार चार महीने नहीं मिल रहे, लेकिन हमारी जो स्टोरीज होती हैं या कोई मेमोरीज होती हैं उसमें आप लोग रिलेट कर रहे होते हो, मतलब करीबी. लेकिन बहुत से ऐसे, जलाल भाई का सवाल बिल्कुल ठीक है कि बहुत से ऐसे हैं कि आप उसमें रिलेट नहीं कर पा रहे होते, तो क्या वो आपके क्लोज फ्रेंड नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है. देखें, बैक ऑफ द लाइन मेरी सबसे बात होती है ऑफ कैम, मेरी सबसे बात है, ठीक है. और कराची में अब माज मेरा नेबर है तो वो मेरे साथ दिखता है, हुसैन मेरा नेबर है तो वो हमसे मिलता है, दिखता है, रबीका आती जाती है दिखता है, दिखती है, कम मुश्तबा अगर आ रहा है तो वो मिलता है, वाजिद मेरे पास आता है तो वो मिलता है, जैसे जैसे जो आता है मिलता है. अब मैं रोज व्लॉग नहीं कर रहा होता मगर मैं इनसे मिल रहा होता हूँ तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था. लोगों का बस यही होता है कि अगर इससे नहीं मिल रहे या मतलब मिल भी रहे हैं, हम रोज मिल रहे हैं, हमने कितनी स्टोरीज बनाई, हमने तो कुछ भी, 4 दिन से साथ जी मेरी मेरी. पर लोगों को ये लगेगा कि अगर इसने स्टोरी नहीं इसके साथ डाली तो इनका कोई आपस में फड्डा है कि मिल नहीं. अभी शादी पे इतनी वो स्टोरीज लग रही है कि जरनाब और आरिफ ने कोई स्टोरी साथ में नहीं डाली तो लड़ाई इनकी लड़ाई आपस में दुश्मनी चल रही है. नहीं, आपस में लड़ाई मतलब अल्लाह ना करे, मियां बीबी में क्या लड़ाई होगी. तो ये वाली चीज है, लोग बोलते हैं कि जो दिख रहा है वो आपका सगा आपने रखा हुआ है और जो नहीं दिख रहा आप उनसे कट गए हो या आप इनसे जो है वो बात नहीं करना चाह रही या आप बड़े हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरी कोशिश होगी मैं रियल टाइम एंजॉय करूं. बड़े होके होने वाली क्या, जिसके रोजाना 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं और जिसके 4 लाख व्यूज आ रहे हैं. अब वो जो 4 लाख वाले है ना, मैं ओपन होके बता रहा हूँ ना, जो 4 लाख वाले व्यूज वाले हैं ना वो इकट्ठे ब्लॉग बना रहे हैं, सही है. जो मिलियन वाले लोग हैं वो इकट्ठे बना रहे हैं. मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, मैं मिलियन व्यूज वाला बंदा नहीं हूँ यूट्यूब पे, ठीक है. और ना मैं व्यूअरशिप को देखता हूँ. अब मास बनाता है, उसी की एग्जांपल देने लगा. उसकी एग्जांपल, अब मैं व्यूअरशिप नहीं, मैं अपनी नहीं देखता कि मेरे व्यूज कितने आ रहे हैं. जब इन दी एंड आता हूँ तो देखता हूँ हाँ यार ये मेरे, क्योंकि जब मैं व्यूज देखता हूँ तो बंदे का होता है यार अभी आ नहीं रहे जा नहीं रहे, ऊपर नीचे चलता रहा सिलसिला, ठीक है. तो अकाउंटेबिलिटी ऐसी नहीं है, ये लोगों का माइंड सेट है. देखो आप इंजेक्ट, लोगों के माइंड में इंजेक्ट हुआ है, आप क्लियर आउट नहीं कर सकते, आप फ्लश नहीं कर सकते उनके माइंड से. तो लोगों ने अपने में ही अपनी एक दुनिया हमारे लिए बनाई हुई है कि ये इसका दोस्त है, ये इसका दुश्मन है, हमने बोल दिया तो ये है, तो हम उसको क्लियर आउट नहीं कर सकते. मैं अब जो है रियल टाइम मेमोरीज एंजॉय करता हूँ, रियल टाइम अपना टाइम एंजॉय करता हूँ. अभी हमने एक शादी अटेंड करी अली भाई की, तो उसमें हमारी स्टोरीज नहीं है, सातों साथ चारों कल एक इत्तफाकन मैंने और जुल्कर्नैन ने पिक्चर खिंचवाई है. तो एक कहने की बात है कि हम अपने में मस्ती कर रहे होते हैं. पहले था कि बहुत हाइपर एक्टिव थे, हाइपर एक्टिव वो भी इन टर्म्स यू थे कि पहले हम कलेक्ट करते थे कि चीजें हों, बर्थडे के लिए स्नैप्स हों, इस तरह. तो वो लोग समझते हैं कि भाई आज जनाब के साथ लारिब नगर स्नैप शादी में नहीं डाली, इनका आज किसी जात पे फड्डा हो. लोगों ने स्केल बना लिया खुद ही, उस तराजू में कभी इसको उधर डाले कभी इसको उधर डाले. जी हम जल्दी जल्दी बातें करते हैं क्योंकि इनकी फ्लाइट और बेसिकली हमारी जो है ना वो फ्लाइट और बड़ा 11th hour जो है ना वो सारे हमारे सेटअप्स लगे थे क्योंकि जलाल भाई भी ट्रैवल करके वापस यहाँ पर आए. तो हमारी पूरी कोशिश होगी हम फिर से जल्द आएं और एक और लेंदी पॉडकास्ट करेंगे इनके साथ. नहीं ना भी आए हम आएंगे आपके पास, बस कर देंगे. ये तो बात नहीं है कि ये आएंगे, उन्होंने कहा है कि आते तो हैं. लास्ट टाइम कहकर गई थी कि मैं हर महीने आऊंगी और इस बात को दिला रही हूं. आपको जुल्कर ने क्या बात बताई है वो इसे बाद में बताना. कौन था मेरा कैंसिल करने वाला प्लान? शोहर साहब. अच्छा मुझे जल्दी जल्दी से बता दें, जरनाब लारेब की 3 अच्छी आदतें 3 बुरी आदतें. लारेब की सबसे अच्छी आदत यह है कि लारेब सबकी केयर करते हैं, रिश्तों की रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी अम्मी की बातें मानते हैं. जो अपनी माँ की इज्जत करता है ना वो फिर सबकी इज्जत करता है. हाँ. 3 बुरी आदतें. लारेब में बुरी सिर्फ एक आदत है कि ये जज्बाती बहुत ज़्यादा है. मतलब हम दोनों के रिलेशन में ना लारेब लड़की हैं. मैं हूँ थोड़ी इंट्रोवर्ट, मतलब मुझे नहीं लगता था कि मैं इंट्रोवर्ट होऊंगी कि कभी किसी ज़माने में जाके. मुझे लगता था मैं बहुत चुलबुली और ऐसी हूँ, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ. मैं पता नहीं मैं बहुत चुप रहने वाली और मैं इस तरह की हो गई. और लारेब चाहते हैं कि मैं, जिस तरह लड़कियों की बात होती ना कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे या आप इस तरह नहीं कर रहे, तो लारेब को ये होता है कि हर वक्त हम लोग बातें करें, हम लोग हर वक्त ये करें. और अगर वो कभी नहीं हो पाता ना फिर ये उदास हो जाते हैं. फिर मैं कहती हूँ यार अब मैं क्या करूँ, अब मैं ऐसा क्या करूँ कि ये ठीक हो जाए. वरना टू बी वेरी ऑनेस्ट, लारेब में कोई बुरी आदत नहीं है. मुझे चार्ज करने के लिए मेरा चार्जर है ना वो जरनाब है. तो ये मुझे खुद बोलती है कि इट्स अ फेलियर अगर आप मेरे पे डिपेंड करते हो. मगर मैं, मेरा पूरा दिन, मेरा पूरा काम, मेरी पूरी लाइफ
इनके मूड पे डिपेंड। अगर कभी देखो यार मेरी क्योंकि फैमिली वहां पे नहीं है ना, अगर मैं कभी अपनी फैमिली को मिस करी हूँ या मैं उदास बैठी हूँ ना, तो अब ये मुझे आके अब मैं इनकी इनकी वजह से तो नहीं नाराज ना या मैं उदास नहीं हूँ, तो मैं बोलूंगी लारे मैं ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ। अब ये जब देखेंगे ना कि ये उतनी चार्ज नहीं है जितनी अमूमन होती है, तो ये अपना कोई कैंपेन करेंगे ना, सही से खाना खाएंगे, चुप करके बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे जिस तरह पता नहीं क्या हो गया। तो ये बुरी आदत है। मैं ये कहती हूँ कि आप मुझ पर इतना डिपेंड ना हुआ करें, अगर कभी मतलब मेरा मूड ख़राब भी है तो आप अपना काम या अपनी रूटीन वैसे ही रखा करो, ताकि मुझे तसल्ली हो। फिर मुझे एक और टेंशन लग जाती कि यार अब लारेब ने ये भी नहीं किया, लारेब ने वो भी नहीं किया, ऐसे करते हैं। लेकिन ये होता है, बताए कनेक्टेड होते हैं ना असल में दोनों, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बुराई में जिंदगी भर बरकरार रखो, ये अच्छी बात है। जाहिर है कि आप आपका कंपेनियन अगर खुश लगेगा तो आप बोलोगे कि नहीं मैं सही जा रहा। तीन अच्छी आदतें हैं जरनाब की, तीन अच्छी आदतें सबसे अच्छी हैं कि जरनाब जितनी भी थकी हुई हो, जितनी भी टायर्ड हो, ये अपने काम बड़े डिसिप्लिन के साथ करती हैं। दूसरा ये कि ये अब बहुत मैच्योर हो गई हैं शादी के बाद। यकीन करो यार मुझे, मैं बहुत बदल गई हूँ शादी के बाद। जरनाब जो है ना वो मुझसे गुस्सा हो नाराज हो मगर मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। क्या बात, तीन बुरी आदतें। बुरी आदत कोई भी नहीं है। ये ना कहे ना। यार वो मैंने किताब लिख के दी थी ना। ना ना, तीन तीन बुरी आदतें। बुरी नहीं है, मतलब जो मतलब आप चेंज करना चाहते हैं इन फ्यूचर। चेंज में बस ये करना चाहता हूँ कि जनाब, पहला तो ये कि जनाब मुझे बता दिया कि उन्होंने खाना क्या है। ओके, क्योंकि मेरा हमारी हमारी लड़ाई पता है किस बात पे, कि जनाब खाएंगी क्या। हमारी एक ही लड़ाई है कि खाना क्या है। और जरनाब बस एक ये, और एक मैं ये बोलता हूँ कि बस आप जो है ना ठंडी रागन, ये बचपन है इनमें, बोलता हूँ बस चिल चिल सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, अल्लाह ताला बैठा उसके बाद मैं बैठा हूँ सब हो जाएगा, अल्लाह ताला सबसे बड़ा कोई तो है नहीं, बस सब बस मुझे थोड़ा टाइम बस हो जाएगा, चिल रहना, ठंडा आइस बॉक्स की तरह। ये तीसरी, मतलब यही ना कि थोड़ी सी नहीं, यही वाला जो जो अपना तीसरा पॉइंट था ना, मैं बोलता हूँ कि ये 24 घंटे जो है ना ऐसे मेरे साथ मस्ती मजाक कर लारे, पता क्या चाहते हैं, मैं 24 घंटे ऐसे रहूं यार, और क्या चाहिए, वालदा खुश, बीवी खुश, जिंदगी खुश, 100 रुपए के पत्ते पे भी मैं मस्त काम कर सकता। मैं नॉर्मल अगर बैठी हुई हूँ ना, तो मैं लगेगा कि ये पता नहीं इसमें कितना एटीट्यूड है, कितनी सड़ी है। कल तुम लोग गए हो खेलने परसों, तो मैं इसे 10 बार पूछा तुम ठीक हो, वो नॉर्मल मेरा मुंह है। असल में शुरू से देखा है ना, मैं 4 साल से देख रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ, मैं बहन है भाई है लोग मुझे देखते हैं, अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल बैठा हूँ ना अपना, ये मेरा नॉर्मल अगर मैं हूँ, कुछ हुआ है कुछ हुआ, क्योंकि इन्होंने मुझे हर वक्त देखा है मस्ती करते हुए। तो मैंने जरनाब को देखा, ये जरनाब की मुझे सबसे अच्छी जो हमारे घर में रौनक लगा के रखी हुई थी ना, वो थी इसकी चाइल्डिश हरकत। उन्होंने कभी कुछ करी कभी कुछ करी, मैं बस एंजॉय कर रहा था, मैं मजा आ रहा था कि 24 आवर्स में कितनी जरनाब की ट्रांजिशन आती खाना खाते हुए, मस्ती यूं करते हुए, ये गेम खेलते हुए, कभी ऐसे करना कभी वैसे करना, तो मैं खुद बोलता था ना वैसे करना ऐसे करना, वापस करके दिखाना मजा आ रहा है। तो ये चीज़, फिर ये जब यूँ आती ना, उन्होंने तो पता नहीं क्या हो गया, मैंने कुछ कर दिया है, फिर मैं पूरा दिन ऐसे सोचता हूँ मैं यार क्या करें, अच्छा यार ये इस तरह वाली चीज़ है। क्या बात है, खूबसूरत। चलाल भी आपको कोई सवाल यार? हाँ, आप लोगों के जब भी वो शूट्स वगैरह हुए थे, तो उसमें एक चीज़ बहुत नोटिस की गई थी, जो लोग कह रहे थे आप लोगों का हाइट डिफरेंस, कि जरनाब ऊंची है और मैं बता दूँ सवाल मैं आज आपको बताऊँ, मैं स्पाइडरमैन को बड़ा एडमायर करता हूँ, सबको पता है बात है, मैं फैंटेसी है ऑब्वियस है, हीरो है कॉमिक्स। स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड उससे 3 इंच लंबी थी, मैं अम्मी को बोलता था माँ मेरी बीवी 3 इंच लंबी लाना मुझसे। अच्छा, इत्तफाकन मुझसे 3 इंच लंबी, मैं 3 इंच ही लंबी हूँ। क्या बात है। अच्छा, ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि बिग थिंग कम्स इन स्मॉल पैकेजेस, इंसान यहाँ से बड़ा होना चाहिए, टांगे क्या करनी पड़ेगी, सीढ़ी लगा के भी सामान उतार लूंगा मैं। तो मैंने कहा कि मेरे घर में जो है ना, ये आए अम्मी और मैं कैबिनेट सामान उतार पाते थे, हमने बोला ये तो इन लोगों का है, देखें जोड़ तो अल्लाह ताला बनाता है। यार हम लोग अपने घर में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। नहीं, तो हमें लोगों का ये होता है, लोग होते क्या करते हैं, मैंने भी देखा हुआ है लोग इस तरह से वो लगा के ना, अलग अलग कपल्स की लगा के, ये मोटा है ये पतला है ये लंबा है ये छोटा है ये लंबा है ये काला है ये चिट्टा है, तो उसमें लगा देते हैं। ये बहुत है, मगर ये चीज अगर ये चीज अगर आप लोगों की सुनोगे, तो ये तो फिर आप अपने आप से मायूस हो रहे, अल्लाह ताला पे मायूस हो रहे आप इनडायरेक्ट, अल्लाह ताला ने आपको बनाया अल्हम्दुलिल्लाह बहुतों से बेहतरीन है, हंसते हैं खेलते हैं कूदते खाते पीते हर चीज़ है, लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। मैं अगर बिल्डर होता तो बोलते हो बिल्डर को क्या सूखी सड़ी पकड़ा दी, ये फैक्ट है।
मैं अगर मोटा होता बोलते मोटे ने कितनी स्मार्ट लड़की बटा लिया। मैं वही बात करती हूँ, पता क्या हमारे पास एक ब्लॉगर आई हुई थी, वो भी स्किनी है और वो इतनी प्यारी लगती है, जैसे इसको हर ड्रेस सूट करता है, उसे हर ड्रेस, हर बॉडी को, हर बॉडी अच्छी है, हर बॉडी को पता है कि उसने क्या कैरी करना है, उसे पता है कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता तीसरे को क्या अच्छा लग रहा है, मुझे बस ये फर्क पड़ेगा मेरे शोहर को कैसा लग रहा है, दैट्स इट। नहीं और हम, मैं इस चीज को लेकर बहुत खुश हूँ कि हमारी, हम दोनों की कभी फैमिलीज में भी ये कभी टॉपिक डिस्कस ही नहीं हुआ। मतलब कि हमारी नजर में ये कोई इशू ही नहीं था, मतलब हमने सोचा ही नहीं कि इसके ऊपर कभी बात भी करनी है। आई एम द लकीएस्ट हस्बैंड, क्यों? लोग अपनी बेगमों को माथे पे चुमती, मेरी बेगम मेरे माथे पे चुमती है। और फिर वही बात है ना यार, एट द एंड आप दोनों का घर में खुश रहना जरूरी है। अगर मैं किसी ऐसे लड़के से शादी कर लेती जो लंबा भी होता और हेल्दी भी होता और सब कुछ उसमें होता ना, जो लोग एक इमेजिन करते हैं कि भाई ऐसा लड़का होना चाहिए, और वो अगर मेरी इज्जत ही नहीं करता या वो मुझे खुश ही नहीं रख पाता, तो मैं फिर उसके कद का क्या करती? अचार तो मैंने डालना नहीं था। अब लारेब है, लारेब जितनी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं या जितना मेरा ख्याल करते हैं, मुझसे जितना प्यार करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी शोहर अपनी बीवी इस तरह अपनी बीवी को रख सकता है। बेशक बेशक, और ये फैक्ट है। मतलब मैं खुद अपनी गैदरिंग में भी देखती हूँ, मैं अपनी फैमिलीज में भी देखती हूँ, हर जगह देखती हूँ, शोहर जो एक शोहरों में वो बात होती है ना कि मैं भाई शोहर हूँ, तो वो चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो फजूल बातें हैं जो लोग करते हैं, तो लोग बस जेलसी में करते हैं, क्योंकि तो नहीं है। अब अगर आपके पास इतना लविंग हस्बैंड नहीं है तो आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं, तो ये जस्टिफाई हो सकता है। चले हम इस पॉडकास्ट में फड्डा नहीं करवाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम हो रहा है। मैं फड्डा वैसे करवाने वाला एक सवाल पूछने लगी थी, फिर मैंने कहा पूछो, नहीं मुझे आपके पसंदीदा या शायद पसंदीदा ना भी हो, आप जिनको देखते हैं, पांच यूट्यूबर्स, सिर्फ लारेब ने बताना, जरनाब से मैं अलग पूछूंगी। मैं तो यूट्यूबर सोच रही हूँ। ना 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 बहन, सबसे अलग पूछूंगी, नहीं यही पूछूंगी, फड्डा तो करो, सोचे आप बताए। ना 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 ना, यहाँ पूछना है। मैं आपको पांच यूट्यूबर्स बताता हूँ, ठीक है? एक जुल्कर्नैन, क्योंकि उसकी हीरोइन है एजल, मैं बहुत शौक से देखता हूँ छोटी को। ये अच्छा, से खानदान बार नहीं, मैं अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं कभी भी किसी को टायर पे रेट नहीं करता। मैं आपको पांच नाम, ठीक है? दूसरा मेरा दोस्त मास सफदर, ठीक है? दो दोस्त ये मेरे हैं, ठीक है? और यूट्यूबर्स में मैं जो है वो, अगर आप मुझे बोलोगे ना कि मेरा टॉप फेवरेट यूट्यूबर कौन है, पहला नंबर चले मैं बोल भी दूंगा, तो मुझे मूरो बहुत पसंद है। क्या बात, जिसका मैं फैन हूँ, मुझे मिलने का शौक है, खानदान मुझे, मैं मुझे लगता है कि सच बोलने में कोई तकलीफ ना, रिश्तेदारों को। मैं जुल्कर्नैन की रूटीन देखता हूँ, तो वो एज अ उसका एक अलग काम है, ठीक है? वीडियो वाली सरकार एक टेक रिव्यूअर है, तो हर किसी का अपना जॉनरा सेट है। मूरो का मैं खानदानी फैन हूँ, मैं खाना खाते हुए भी उसके वीडियोस देखता हूँ, अलग वो कम वीडियोस डालता है। अभी मैं उसकी नई रीसेंट वीडियो देखा था जो उन्होंने वो इनडायरेक्ट वीडियो वाली सरकार के ऊपर बनाई है, ठीक है? तो मूरो मुझे बहुत पसंद है। तीन हो गए। RHS राना भाई लंबू से, ठीक है? और पांचवा जो है ना, मैं अपने आप को खुद बोलूंगा क्योंकि मैं बड़े मजे की वीडियो बनाता हूँ, और एक और नाम ऐड कर दूंगा कि वो हमारे नेबरिंग कंट्री से है, टेक गुरु जो है वो इंडियन। मैं क्योंकि वो मैं अब टेक वाले काम में सीखता हूँ, मन की वीडियो से भी सीखता हूँ। मैंने ना जुल्कर को कहा, मैंने कहा अल्लाह पाक हमें इतना पैसा दे दे, फिर मिस्टर बीस्ट वाली वीडियो बनाया करेंगे, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं इसे देख रही होती हूँ उसे। यार तुम क्या देखती रहती हो? मुझे मतलब मुझे गेमिंग और इस तरह के चैलेंज बहुत पसंद है, बहुत। ऐसे तो बहुत सारे चैनल हैं, मगर अगर मैं सिर्फ कोई एक बोलूँ ना, तो कोई मुझे बोलेगा कि तुम्हारा कोई एक यूट्यूबर कौन है, मैं मूरू। क्या बात है, नहीं पांच बता दिए आपने, अब एक पे फोकस ना करिए, अब आपने नहीं मैं आप पूछेंगे सवाल, नहीं आप वो वाला गलत सवाल पूछेंगे, मैं नहीं वो पूछना चाहती। जरनाब आपके लिए पांच टॉप, आपके लिए पांच टॉप, मतलब टॉप नहीं,
पांचों जो आपको पसंद, जैसे उसको पसंद है या डेली रूटीन या कुछ भी, टिकटॉकर्स, सिर्फ एक ही इंसान मुझे अच्छा लगता था, मैं कहती थी यार इसकी वीडियोस अच्छी होती है और वो थे नैन भाई, ये बिल्कुल फैक्ट है, मतलब ये सच, मैंने बिल्कुल सच बोल दिया, ठीक है, बाकी झूठ बोलोगी, नहीं मेरे झूठ बोलेगी, मैंने कहना है, मैंने अब टाइटल मैंने बना देना नॉन स्टॉप पॉडकास्ट का, जरनाब ने बिल्कुल सच बोल दिया, नहीं मेरे मियां, जिसकी मुझे वीडियोस वगैरह मतलब अच्छी लगती है ना, ऑब्वियसली मेरे मियां, मुझे साहिल भट्ट की वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, बात है, मुझे हारिस की वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, चार हो गए, लड़की एक भी नहीं आई, जरा कोई नहीं यार, अच्छा लड़के में सोच के बताऊंगी, निकलते हम सोच के बताऊंगी, कोई मुझे कहनी यार, वैसे मुझे मिनाहिल की वीडियोस अच्छी लगती क्या है, ठीक है, नहीं बाकी फैक्ट है, हालांकि मिनाहिल से मेरी वैसे फड्डा है थोड़ा सा, ठीक है, मैं खुद ही, हाँ मतलब बातचीत उससे मैं लेकिन मिनाहिल की वीडियोस बहुत अच्छी होती है, बस पांच हो गए, अब हम दो मिनट में लाफिज करेंगे, लरेब नहीं बोलेगा जरनाब, हमेशा हमने देखा लरेब गाना डेडिकेट करता है, शेर सुनाता है, आज लरेब के लिए कुछ सुना दे और लाफिज कर दे, जल्दी कर दे, टाइम नाम बताओ, सुना दे, शेर सुना दे, गाना गा दे, कुछ भी कह दे, मुझे तो आती नहीं है, मैंने लारेफ को पहले भी गाना डेडिकेट किया था, तो मैं दोबारा वही वाला गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ लारेफ को, क्योंकि वो लारेफ पे बहुत सूट बैठता है, कि तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, तो मेरी जिंदगी लारेफ के आने से बनी है, तो लारेफ से मैं गा बिल्कुल नहीं सकती, क्या हो गया, तो दो लाइन दो लाइन शेर की तरह फिर बोलो, शेर मुझे कुछ शेर आते नहीं, नहीं यही गाने कोई शेर की तरह, जरा कोशिश करो, गाएंगे लाली, गाएंगे लाली, नहीं अच्छा वो सुनना तो चाह रहे बेचारा, आपने सुना हुआ है पहले, नहीं मैं क्या बोलूं, मैंने बोल में वो बच्चों वाले शो में नहीं डेडिकेट किया था, हां वो तो मुझे पता है, याद है, तो बस इतना बहुत है, नहीं चले आप, मैं समझ गया, ये समझ गए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, और मेरा बहुत दिल था कि हमारा बड़ा लॉन्ग लेंथ हम बात कर सके, बट ड्यू टू हमारी 1 घंटे 28 मिनट बाद फ्लाइट है, और हमारा जो एयरपोर्ट है वो हमसे 48 मिनट दूर, और हमारे जो हम जल्दी पहुंचा देंगे आपको इंशाल्लाह, और हम पार्ट टू करेंगे इसका, हाँ लाजमी, हम इस पे लिख के लगाएंगे, गाइस कमेंट करें कि वी वांट पार्ट टू, यार पता है वैसे भी लोग ना बहुत ज्यादा, जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आते थे ना जिन लोगों के लिए, वो ये दोनों थे, एक और लोग हैं, और वो भी लगाएंगे, नहीं वी आर रेडीली अवेलेबल फॉर यू, अगर आप कराची हो गए हम आ जाएंगे, डन 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 डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आज का हमारा नॉन स्टॉप पॉडकास्ट वाकई नॉन स्टॉप था, और इतना मजा है, इतना मजा है, इतना मजा है, इतना मजा है, जब आपके अपने लोग होते हैं ना, तो आपको दिल से आपकी बातें निकलती हैं, आवाज़ें निकलती हैं, और पता नहीं क्या क्या निकलता है, और प्यार निकलता है, प्यार सारा हमने बरसा दिया, इसी तरह आप भी हमारे नॉन स्टॉप पॉडकास्ट में प्यार बरसा दें, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।